शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बीजेपी पर राजनीतिकरण अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा है। शिवसेना ने बीजेपी को ध्यान दिलाया है कि वे कुछ और दूसरे मुद्दे पर काम करें। फिलहाल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा भाजपा ने एजेंडे पर ले लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रकरण न्यायालय में चल ही रहा है। मंदिर या मस्जिद इसका उत्खनन कोर्ट के सर्वेयर द्वारा किया जाने के बाद मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की बात कही गई। इसी दरमियान भाजपा गुट से सब प्रसारित किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने जा रहे हैं। भाजपा के इस विकास का मॉडल इस तरह से चल रहा है। हनुमान चालीसा भोंगा प्रकरण बहुत ज्यादा नहीं चला, हर बार कोई नई राम कहानी अथवा कृष्ण कथा रची जाती है। इसका मूल रामायण महाभारत से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन लोगों को उकसाते रहना है, ऐसा धंधा चल रहा है। ताजमहल की जमीन के नीचे क्या छिपा है ये भी खोद कर निकालो, ऐसी मांग इन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा करना ये भी मजेदार है। ताजमहल प्रकरण में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। उसी समय दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी भाजपा के साक्षी महाराज ने दावा ठोक दिया है। दुनिया कहां जा रही है, हम क्या कर रहे हैं? कैलाश पर्वत समस्त हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान है। उस कैलाश पर्वत पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। भक्त लोग शिव जी को ताजमहल के नीचे ढूंढ रहे हैं। नई पीढ़ी के हाथ में वर्तमान शासक निश्चित तौर पर क्या रखने वाले हैं? 6.5 करोड़ जनसंख्या वाला देश फ्रांस राफेल बनाकर हमें बेच रहा है। 130 करोड़ लोगों का देश रोज मंदिर मस्जिद अवशेषों का उत्खनन कर रहा है। इसी को कुछ लोग विकास समझते होंगे, तो उन्हें साष्टांग दंडवत। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।